माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और अभी टाइम हो गया फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज गए हैं, 12 आज शनिवार। तो ये शनिवार का ब्लॉग है मेरा। तो आज का मेरा वीडियो बच्चों के स्कूल जाने के बाद से शुरू हो रहा है फ्रेंड्स। और आज मैंने सुबह का कोई भी रूटीन शेयर नहीं किया है और बच्चे भी चले गए हैं। और बच्चों के जाने के बाद में चाय भी मैंने पी ली है फ्रेंड्स। और चाय पीने के बाद में लग गई हूँ मैं घर की साफ़ सफाई में। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि सारे दिन में काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। रोज़ कितना ही साफ़ करो तो धूल मिट्टी तो जमा हो ही जाती है। तो मैं झाड़ू पोछा करने से पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने डाइनिंग टेबल को भी कॉलिन से अच्छे से साफ कर दिया है, और डाइनिंग की जो कुर्सियाँ हैं इनको भी झाड़ दिया है। और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो वैसे तो मैंने सुबह एक बार ही झाड़ू लगा ली है फ्रेंड्स। जो रात की बासी झाड़ू होती है ना, वो सबसे पहले मैं घर में लगाती हूँ, और एक बार ही झाड़ू लगाती हूँ बच्चों को जाने के बाद में। तो अभी बच्चों को गए हुए आधा घंटा हो गया फ्रेंड्स, तो मैं तुरंत में नहीं लगाती हूँ, तो मैं आधे घंटे बाद में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि बच्चे जाते हैं तो जूते पहन के घर में घूमते हैं, तो थोड़ी बहुत मिट्टी हो ही जाती है, तो मन नहीं मानता है मेरा। तो मैं यहाँ पे दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ, सिर्फ हॉल और रसोई में ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू लगा ली। झाड़ू लगाने के बाद में फटाफट से मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो उठते के साथ में फ्रेंड्स घर के ढेरों काम शुरू हो जाते हैं। और बच्चों के काम से फ्री होने के बाद में घर की साफ सफाई, डस्टिंग, काफ़ी सारे काम शुरू हो जाते हैं। और ये हर हाउसवाइफ की जिम्मेदारियाँ होती है फ्रेंड्स, जो उठते के साथ में ही शुरू हो जाती है। और हर हाउसवाइफ है ना, खुशी खुशी से अपनी जो सारी जिम्मेदारियाँ होती है ना, वो खुशी खुशी निभाती है। तो क्या है ना फ्रेंड्स, चाहे उसकी लाइफ में कितनी परेशानियाँ क्यों ना आ जाएं, पर घर की जो जिम्मेदारियाँ होती है ना, उनसे कभी भी वो पीछे नहीं हटती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, और इधर में डाइनिंग के साइड में लगा के आ गई थी मैं। तो यहाँ पर देखिए सोफ़ा कवर वगैरह भी मैंने अच्छे से झाड़ के बिछा दिए हैं। वैसे मैं रात को भी क्लीन करके सोती हूँ फ्रेंड्स, पर उठने के बाद में बच्चे कर ही देते हैं। आप लोग समझ ही सकते हैं, जिस घर में बच्चे होते हैं तो ज़्यादा देर साफ़ सफाई टिकती नहीं है। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तब जाके मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है, आने के बाद में वैसे कि वैसे फैल जाता है। तो यहाँ मैंने पोछा लगाने के बाद में फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए, और नहाना धोना भी मेरा हो गया है। नहा धो के आ गई थी मैं बालकनी में, तो अभी कपड़े सुखा लेती हूँ। तो ड्रायर में सुखा के ले आई हूँ कपड़े। और अभी देखिए बाहर का मौसम देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सुहावना मौसम हो रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है अभी, तो बादल से हो रखे हैं। और बारिश की वजह से चारों तरफ में इतनी हरियाली हो रखी है ना, तो बालकनी में बहुत अच्छा लगता है। और अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो कपड़े सुखाने के साथ साथ में मैं अपने पेड़ पौधों को भी संभाल रही थी, देख रही थी उनको। तो उसमें देखे फूल भी लगे हुए हैं, तो आज नहीं तोड़ूंगी इन फूलों को मैं, कल तोड़ूंगी, क्योंकि कल है मेरे कान्हा जी की छठी है। तो जो छठी की पूजा होगी ना, उसमें ये फूल चढ़ा दूंगी मैं। तो कपड़े सुखाने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, और अब बना लेती हूँ फटाफट से खाना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और अभी टाइम हो गया फ्रेंड्स सुबह के 12:45 बज गए हैं, तो अभी 12 बजने में 15 मिनट बाकी है। मेरा घर का सारा काम हो गया फ्रेंड्स, मेरा खाना पीना भी हो गया, सारा काम फ्री होने के बाद में मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और अभी चलिए आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। तो आ गई हूँ मैं बालकनी में, और आज हमारे यहाँ का मौसम कुछ इस तरह से देख सकते हैं, चिलचिलाती सी धूप आ गई है। अभी सुबह में धूप नहीं थी, और अभी देखिए कितनी तेज़ से धूप हो रही है, और मौसम काफ़ी यानी कि हवा चल रही है, धूप आ रही है पर हवा चल रही है ना। और इस देखिए गुलाब में दो नन्हे नन्हे से फूल भी खिल गए हैं। गुलाब का फूल किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? तो हमें ये देखिए दो फूल खिल गए हैं, और अभी इसमें कोई भी कलियाँ बाकी नहीं है, सारी कलियों के फूल बन गए हैं। अभी जब न्यू कलियाँ आएंगी तभी इसमें फूल बनेंगे। तो अभी बस सारे फूल बन चुके हैं, अब इनको कल पूजा में चढ़ा दूंगी मैं। और अभी आ गई हूँ मैं अंदर, तो चलिए मैं खाना खाई हूँ, वो बर्तन साफ़ करने हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने ही रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग इन्हें लाइक करना भूल जाते हैं, प्यारे प्यारे कॉमेंट कीजिए आप लोग, और आप सबके प्यारे प्यारे कॉमेंट देख के सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए ही रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग। तो फ्रेंड्स ये शाम का टाइम है, और शाम के 7 बज चुके हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी मेरी शाम की चाय भी नहीं हुई है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद में करूंगी शाम के खाने की तैयारी। तो आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि आज मुझे दिन में है ना वीडियो एडिटिंग करते करते ही नींद आ गई, और पता ही नहीं लगा मुझे कब नींद आ गई है, फिर एकदम से आँख खुली है, उसके बाद में मैंने वीडियो अपलोड किया है। और उसके बाद में आई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ देखिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और चाय बनती है
है, तब तक मैं यहाँ पे जो दोपहर के बर्तन रखे हुए हैं टोकरी में, तो ये सारे मैं रैक में लगा दूंगी, क्योंकि गीले रहते हैं तो टोकरी में ही छोड़ देती हूँ और सूखने के बाद में मैं इनको रैक में लगाती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी की भी मैं तैयारी करती जा रही थी, क्योंकि चाय जब तक अच्छे से उबलती है ना, जब तक चाय में टेस्ट नहीं आता है फ्रेंड्स, तो मैं चाय को बहुत ही अच्छे से उबालती हूँ। और आज मैं सब्जी में बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। तो यहाँ देखिए चाय उबली है, तब तक मैंने बर्तन भी रैक में लगा दिए हैं और सब्जी के लिए भिंडी भी काट के रेडी कर ली है। और अब मैं चाय बन गई थी तो चाय लेके आ गई हूँ मैं बाहर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आराम से बैठ के चाय पीती हूँ, जो सुबह की हो या इवनिंग चाय हो फ्रेंड्स, मैं आराम से बैठकर चाय पीती हूँ। और जब तक चाय को आराम से बैठकर ना पियो ना, तो चाय पीने का कोई मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं चाय पीने के बाद में फिर आ गई थी किचन में और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से सब्जी। तो भिंडी ज़्यादा नहीं थी फ्रेंड्स, एक पाव ही भिंडी थी। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी कढ़ाई में भिंडी को फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे भिंडी को फ्राई करने के बाद में आ गई थी मैं बालकनी में। तो अभी देखिए कपड़े भी नहीं उतारे हैं और काफ़ी अंधेरा भी हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े उतार लिए, कपड़े उतार के रूम में डाल दूंगी मैं, और जैसे टाइम मिलता है ना तभी जाके मैं ना क्या ना कपड़ों को समेटती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े रूम में डाल के और फिर आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ देखिए मेरी भिंडी बन के तैयार हो चुकी है और अब मैं मेरा सारा खाना बन गया है और बच्चों को खाना खिला दिया है मैंने और अपने लिए भी प्लेट लगा ली है। तो आप सब भी आ जाइए फ्रेंड्स, खाना खा लीजिए। और खाने में मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी और रोटी, तो मैं भी खा लेती हूँ। टाइम हो गया है फ्रेंड्स, 9:25 हो गए हैं, तो बच्चों के ट्यूशन का टाइम भी हो गया है। तो मैं भी 5 मिनट में फटाफट से रोटी खा लेती हूँ, और क्योंकि ट्यूशन टीचर भैया आ जाएंगे, तो ये दोनों है ना खाना खाने के बाद में यहाँ पे टीवी चला के बैठे हुए हैं। इनका रोज क्या है फ्रेंड्स ऐसा? तो ये देखें, आई स्कूटी यहाँ से मेरे को खाना खाने दे। आ जाइए माय यूट्यूब फैमिली, खाना खा लीजिए, आज का डिनर रेडी है। तो फ्रेंड्स मेरा खाना भी हो गया है और ट्यूशन टीचर भैया भी आ गए, तो बच्चे बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ, किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए मेरा किचन पूरा फैला हुआ है इस टाइम पे, तो थोड़ी सी भिंडी की सब्जी बच गई है, तो इसको मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ और बाकी सारे बर्तन साफ कर लेती हूँ। किचन का सारा काम फिनिश हो गया है और इधर में बर्तन भी साफ कर लिए, किचन को भी क्लीन कर दिए। तो अभी मैं जा रही हूँ रूम में और बाहर में बच्चे पढ़ रहे हैं, भैया आ गए हैं पढ़ाने के लिए। तो चलिए किचन क्लीन कर दिया है और खाना खाने के बाद तुरंत ही किचन को क्लीन कर देना चाहिए। तो इसी तरह से मेरा किचन साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता है, दिन में ही नहीं रात को भी फ्रेंड्स। चलिए अब जाते हैं रूम में। और तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ रूम में और आज सारे दिन का तो ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था मैंने, और लंच के बाद में मैं सीधा आप लोगों से इवनिंग में मिली थी, क्योंकि आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा था फ्रेंड्स, पूरा दिन सोती रही आज मैं। वीडियो एडिट करते करते ही मुझे नींद आ रही थी आज, क्योंकि फ्रेंड्स रात को भी लेट सोना होता है, नींद पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है। तो चलिए अब करती हूँ मैं आज के व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का रूटीन पसंद आया होगा, और बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट, थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।